ई पंखा वाला कार बहुत ही मजेदार हवे, और ऐसे हम लोग न्यूटन का गति का तीसरा नियम या विधि भी सीखन जा। एकरे खातिर अपने के ढक्कन, बैटरी, पंखा और साधारण सामग्री लगी। पहले दो को ढक्कन लेके दोनों में छेदा मार लें, एक में साइकिल का तार डाल के रिफिल डाल के दूसरा ढक्कन दूसरे छोर पर लगा दें। रिफिल अपन बुश बेरिंग के जैसे काम करी। अब पहिया के तार से चिपकाए खातिर आप लोग गोंद लगा सके नहीं जा। अपन रिफिल पे पहिया का बुश बेरिंग हवे लिए के पकड़ के हम लोग घुमाएं जाते आराम से घूमे के चाहिए। ऐसे एगो पहिया और बना लें तो अपने पास दो को पहिया हो जाइए तेरे। अब एगो 15 सेंटीमीटर वाला प्लास्टिक स्केल लेके दोनों पहिया का रिफिल ऊपर चिपका दें। आप लोग देख सके नहीं जा के तरह। ऐसन कहले पे अपन गाड़ी का चासी तैयार हो गई लवे। आप लोग देख सके नहीं जा कैसन दिखत हवे। अब रबर का टुकड़ा लेके ऊपर गोंद लगा के अपने स्केल के ऊपर रख लें। एकर मकसद बस एक ही बा कि अपन ऊंचाई अपने के मिले पंखा लगाए खातिर। ऐसन कहले के बाद आप लोग बैटरी से चले वाला एगो पंखा ले लें। आप लोग देख सके नहीं जाए कित तरह चलेला और ये कैसन हवे। आप लोग देख सके नहीं जा कि चालू कैले के बाद ही बहुत तेज घूमेला और पंखा हवा भी छोड़ेला। अब पंखा के बंद करके अपने रबर के टुकड़ा के ऊपर रख लें और ओके एगो सेलो टेप से अच्छा से चिपका लें। आप लोग देख सके नहीं जा कैसे। अब अपन पंखा वाला गाड़ी तैयार हवे। जैसे ही आप लोग पंखा चालू करन जा आप लोग देख सके नहीं जा कि गाड़ी तो आगे भागेला। आप लोग यो देख सके नहीं जा कि पंखा हवा जोन दिशा में छोड़ेला गाड़ी ओकरे उल्टा दिशा में जाएला। तो ऐसे हम लोग न्यूटन का तीसरा नियम भी समझ सके नहीं जा गति वाला। रॉकेट भी ये नियम पे चलेला, मतलब हर एगो एक्शन का एगो उल्टा रिएक्शन होवेला। ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम हवे।